भाई तो पाप कर दो, छोटा कर दो भाई, अब तब पर मारना या देख ले तो। हमसे निशिकायत करते थे भगवान से, इसकी पहुंचे बहुत बड़ी बातचीत हो गई लड़की की। कल इसने टैप तोड़ दिया अपनी मम्मी का, उससे पहले अपनी मम्मी का फोन तोड़ दिया और आज मेरा तोड़ दिया। तीसरा फोन है ये एक वीक के अंदर जो तोड़ा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई सुबह के बज रहे 7:30 और आज मैं उठ गया था करीब 6:30 एडिटिंग की और अपना काम फिनिश कर दिया आज का व्लॉग का। फिलहाल चल रहे हैं नीचे, अभी चल रहे हैं भाई दूध लेने। अभी दूध नहीं आया तो थोड़ी देर बाद दोबारा जाएंगे लेने। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है तो आज दूध का थोड़ा लेट हो गया कि फंस गया ट्रैफिक में, इसलिए 8 बज चुके हैं लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचा। वेट कर रहे हैं, उसके बाद चाय बनेगी। अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में भाई आज ऑमलेट और चाय। सुबह अभी हो रहा है टंकी का काम और मोटर चेंज करा रहे हैं क्योंकि मोटर होगी ख़राब, ये रिपेयर होएगी, दूसरी मोटर से काम चलाना पड़ रहा है फिलहाल के लिए। नीचे हो रही मोटर ठीक, अभी हमें वॉल बंद करने ताकि पानी वेस्ट ना हो। चलते हैं नीचे। सो गाइस कपड़े देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, तो मोटर देकर आ गए भाई ठीक होंगे और शाम 4 बजे के आसपास मिल जाएगी वो मोटर। खर्चा क्या होगा तभी मालूम पड़ेगा, पानी नहीं है। सो आज हम नहाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि अपना बाथरूम बिना पानी का है। सुबह के बज रहे हैं भाई अभी 10 और टाइम है दूध पीने का और मम्मी डाल रही है वहाँ दूध। दे दो भाई, मुझे भूख लग गई। ये वाला ये तो भाई का है ना, ये कैसे ले सकता हूँ मैं? नंगू पंगू कहाँ है तू? सो ये आ गया मेरा दूध और हनी इसमें से घूट भर लेगी। ले ले बादाम वाला है। अरे तो बादाम वाला पी लेते हैं बाबा, रोज थोड़ी बना करते हैं, आज पी ले। और तेरे मुंह में क्या है सुबह सुबह? चोक आकर मम्मी मारो आपने डंडा। ये तो चोक नहीं लग रहा मुझे, दिखा आकर। हाँ काजू निकाल दो दे। अरे कैसे निकाल दोगे? अरे नहीं निकालना, दिखा देखो कहाँ बैठ गए, मतलब इसका मुंह ना खुलवा को चौक ना ले से। मम्मी क्या करूँ मैं इसका बताऊँ, यहाँ पे बैठे बैठे आप इसकी भी ट्राई कर दो भाई की तरफ भी। हाथ कर ऐसे, हाथ कर, कैसे निकलेगी अब निकल। आ जा लड़ने, खा ले चौक। बोलवा गई मैं तो जी, और दिखा दो ऐसे चांट ले जाए आई कमरे में। भाई आज चली गई लाइट और हम सब बैठे हैं अपने बाहर वाले गेट पे। सो और अभी ना प्रणव हन्नी को दुखी कर रहा था तो उसने भगवान से शिकायत कर दी। क्या शिकायत करी तूने? भगवान भाई तो पाप कर दो, छोटा कर दो। भगवान जी थप्पड़ मारा देख लो इसको। अभी हमसे नहीं शिकायत करते थे भगवान से, इसकी पहुँच है बहुत बड़ी बातचीत हो गई लड़की की। सीधा भगवान के पास कंप्लेंट, ना मम्मी ना पापा ना चाचा ना कोई नहीं है ना। सुबह आज हमारे बेटे को कर रहा है अंडा खाने का मन तो उसके लिए स्पेशल अंडा उबाल रहे हैं। ये उबल रहा है हन्नी का एक पीस अंडा और जैसे ये उबल जाएगा मेरा बेटा गप 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 खा लेकर खाएगा। हाँ फिर मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगी। बहुत बड़ा हो जाएगा अंडा खा के? ओके। हाँ कल भी तो खाया था उस दिन। उस दिन कब खाया था? 2 साल पहले खाया था आपने। सो ये उबल गया हन्नी का अंडा, थोड़ा सा फूट भी गया है और देखो कैसे मतलब बैठी है उतावली खाने के लिए इसको। सो एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही से उबला नहीं उबला। अभी ढंग से उबला नहीं है ये। आपको मैं लेके जाऊंगा, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा अंडा आपका, 5 मिनट बाद खा लेंगे उसको, निपटा देंगे ठीक है। अभी खा रहे हैं भाई खाना, दाल है उड़द की। दोपहर में इसलिए खाते हैं इसको क्योंकि रात को ज़्यादा हैवी हो जाती है दही। वैसे दही और उड़द की दाल तो एक साथ खाने नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में खा लें पचा लेंगे। अभी हनी चाचू के फ़ोन में अपना जॉनी जॉनी देख रही थी, चाचू ने इससे फ़ोन मांगा, हनी ने फेंक के मारा उस दीवार में फ़ोन लगा और देखो ये हालत हुई है फोन की पूरी। बताइया देख ना पिटाई कर दो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। मतलब 1 हफ्ते के अंदर 3 फोन तोड़ दिए इसने। कल इसने टैप तोड़ दिया अपनी मम्मी का, उससे पहले अपनी मम्मी का फोन तोड़ दिया और आज मेरा तोड़ दिया। तीसरा फोन है ये एक वीक के अंदर जो तोड़ा है ये इसने। चल जा। ये मोनिका का है जो ये तोड़ दिया, फिर ये टैप तोड़ दिया इसने, ये स्टार्ट नहीं हो रहा अब, तो तीनों इसने तोड़ दिया लड़की ने। तो आज के बाद भाई इसको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं दिखाएंगे, चाहे रोए जिए मरे आज के इसको फ़ोन नहीं दिखाना, चाहे खाना खाए चाहे ना खाए
भूखी मर जाइयो, पर तेरे को फोन नहीं मिलेगा इसके बाद, ठीक है। सो इसने मेरा फोन तोड़ दिया और जब से मैं इससे नहीं बोल रहा हूँ तो ये मुझसे गुस्से हो रही है। वो कैसे बैठी है भाई, मैं तो तुझसे बोलूँगा नहीं बिल्कुल भी। सॉरी बोल देगी तो गोदी ले लूँगा, वरना तो तेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करनी मुझे आज के बाद। अब तो नहीं फेंकोगे कोई सामान? पूरे दो घंटे में सॉरी बोली है फोन तोड़ने के बाद। मतलब इसे सॉरी नहीं बोलना होता, चाहे कुछ कर। अभी हम दोनों खा रहे हैं भाई क्रैक्स, एक बार हनी खा रही है, एक बार मैं खा रहा हूँ। मम्मी काट रहे हुए तरबूज, और ये सीजन का पहला तरबूज खा रहे हैं भाई हम, क्योंकि अवॉइड कर रहे हैं बाहर से खाना थोड़ा सा। पहले भी खा चुके, मैंने नहीं खाया तो मैंने मिस कर दिया वो। और हनी शायद मुश्किल खाएगी। हनी खाएगा तू ये? चल क्रैक्स पसंद है। पता पिछली बार क्या बनाया था मैंने इससे? इसे काट के एकदम वो बनाई। तो लास्ट टाइम हमने वाकई में जो ये इसका जो वाइट वाला पार्ट है ना, इससे हमने बर्फी बनाई थी, बहुत टेस्टी, काजू बादाम सब कुछ डालकर मज़ा आ गया था खाने में। क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम पे, सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमने भी देखा था यूट्यूब पे कुछ वीडियोस, तो इसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया भाई, वाकई में मज़ा आ गया था खाने में इसको। आज दूसरा दिन है, मोटर ख़राब है, और अब एक बार करने जा रहा हूँ जुगाड़ कुछ ऊपर टंकी में हो जाए, क्या पता चल जाए पानी आ जाए फ्लोर पे। अभी मोनिकर वगैरह यहाँ लगे हुए हैं सब। क्या कर रही है? नहीं लग रहा लगाना आ जाने चाहिए। सुबह भी ये वाला पाइप जोड़ दिया मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ, और जब पानी आएगा वहाँ से तो इसमें आएगा, इससे फिर हम ये वाला पाइप लगा देंगे इसमें यहाँ, और फिर इस वाले पाइप को डाल देंगे उस वाले टैंक में, तो शायद पानी आ जाए। क्योंकि हमें अभी एक दिन ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि पानी भाई नहीं आ रहा, मोटर ठीक नहीं हो रही लॉकडाउन की वजह से, और मोटर है भी नहीं आसपास, जो नई मिल जाए, पुरानी भी रिपेयर नहीं होगी, नहीं आ रहा भाई। सो फाइनली हमारा जुगाड़ सक्सेस हो गया है भाई, ये यहाँ से पानी आ गया है और इस वाले टंकी भर रहे हैं, और थोड़ा स्लो आ रहा है अभी, लेकिन भर जाएगा पानी। चलो आज नीचे आ जाओ, हो गया काम अपना, ढक्कन लगा दे, ये ट्रक दे, इसे बोल दे जंत्री। जंत्री सुना मैंने, क्या बोल, क्या होता है किसको जंत्री? अभी तो जंत्री देखा था, जंत्री देखो ऐसे आते भी चलाते बच्चे बैठे गरम बैठी। अभी ले लेते हैं पहली बार में, टाटा बाय बाय, खत्म करा। अब लेकर दिखाऊंगा भाई, देखता है। अभी आपने एक बार देख ली, इसकी ना रस्सी बहुत छोटी है, अब तो बहाने मारेंगे चाची। ये रस्सी यहाँ तक होनी चाहिए, वो ज्यादा तो ठीक रहता। हाँ रस्सी बड़ी होनी चाहिए लट्टू की, देखा ऐसा करके ऐसा उल्टा भी कर देगा तू। मेरे को चलाना है ना, चप्पल पहन लो, गीली होगी तो कोई बात नहीं होती है, पहनो इसको, पैर जल रहे होंगे तेरे, मुझे पता है। तो मत पहन जा, चल। ये पूरी भर गई फुल, और इस अब इसका पानी जा रहा है, कल फिर पाइप लगा के इसको कर देंगे। सुबह धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए चल रहे हैं नीचे, बाद में करेंगे लट्टू वट्टू की कार्रवाई। पानी आ गया, सबसे ज़्यादा टेंशन इनको थी, टेंशन इनको इसलिए थी क्योंकि इनको बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, और वो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब हमारी टंकी भर जाएगी तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। मुझे पद्दे बिठा लो, चलो बैठो, चले गिर तो नहीं जाओगे पक्का? चीज लग रही है भाई, मोनिका का कट गया है हाथ अच्छे वाला, तो अभी लगा रहा हूँ बैंडेड। एक
एक टूटा हुआ गिलास था उसे धो रही थी। किसने कहा शीशे के टूटे गिलास को साफ करके रखना? अभी हन्नी करा रही है भाई अपनी चंपी, क्योंकि हन्नी की जो बालों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा कम है। हमने करीब 3-4 महीने पहले ज्यादा ही टाइम होगा तब इसको गंजा कराया था, और अब तक इसके बाल इतने ही आए हैं 3-4 महीने में, तो मतलब बहुत ज्यादा स्लो है इसके बालों की ग्रोथ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज इसके चंपी करें ताकि इसके बाल बढ़ जाए। ऐसे नहीं भी दर्द हो जाएगा मेरे बेटा को ऐसे तो ताकि अच्छे से बाल आ जाए। तो मेरा फ़ोन भी ना पूरा टूट चुका है, बस कैमरे की वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वरना स्क्रीन पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे। आपको दिखाता हूँ मेरा फ़ोन क्या हालत हो गई है। फिलहाल ऐसी हालत है भाई मेरे फ़ोन की, इसमें कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है, कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, इंक फैल चुकी है पूरे स्क्रीन के अंदर, और आज मैंने एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया अब तक जब से सुबह से कमेंट आए हैं। और अभी मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ अपना व्लॉग, रिप्लाई देने वाले हैं सबको आज, यहीं पर रिप्लाई करेंगे कंप्यूटर पे। मैं अपना डैशबोर्ड खोल लेता हूँ जहाँ से मुझे रिप्लाई करने हैं, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो से ही रिप्लाई किए जाते हैं। सो ये है कमेंट सेक्शन, तो यहाँ आज सारे कमेंट आ जाएंगे जिनका मैंने अब तक रिस्पॉन्स नहीं किया है। सो अभी सबके कमेंट जो हैं उन सबके रिप्लाई मैं करने वाला हूँ यहाँ। अभी टाइम हो रहा है 11:10 का और आप सभी को अभी रिप्लाई मिलने वाला है। लोग आपने देख ही लिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक करना वीडियो को, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। घर से बाहर बहुत कम निकलिएगा, अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बाय। मारो मारो मार दो ना खींच के।